न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 61, जबकि 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। अब तक 15 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का किया शुभारंभ। सौंपा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 15 करोड़ की प्रथम किस्त। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बाहर से आए कामगार और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने से उनकी समस्याओं का होगा समाधान, साथ ही उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को भी मिलेगा उसकी प्रतिभा का लाभ। गोरखपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले आए सामने, सभी हैं प्रवासी। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 27। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची में हुई पुष्टि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर ने बताया कि तहसील क्षेत्र में हो चुके हैं 7 हॉटस्पॉट, सभी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए किया गया है सील। होम डिलीवरी से होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई। डीएम और एसएसपी ने महानगर के शाहपुर, जेल रोड, पादरी बाजार, जंगल, माता दिन सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा। बिना ई पास के दुकान खोले जाने पर सिद्धि विनायक मार्ट को कराया सील। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। बाहर से आ रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य के जांच के दिए निर्देश, कहा निगरानी समिति रखे बाहरी लोगों की निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर बुधवार को लगभग 22,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इस दौरान सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के 1 दिन बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर खुली दुकानें। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। असुरन स्थित सिद्धि विनायक मार्ट और V2 मार्ट के पास ई पास ना होने पर दुकान को किया सील। जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक निर्माणाधीन 4 लेन के कार्य में आई तेजी। सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई गोरखनाथ मंदिर परिसर की दुकानें। मंदिर सचिव ने कहा, सड़कें होंगी चौड़ी, होगा विकास। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा, कोरोना के इलाज के लिए जिले में 900 बेड है तैयार, इलाज में नहीं होने पाएगी कोई चूक। शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को मिली छूट को लेकर बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों की दुकानों का किया निरीक्षण तथा दुकानों के ई पास और सोशल डिस्टेंसिंग अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बुधवार को महानगर के व्यापारियों ने सर्राफा, कपड़ा सहित अन्य बंद पड़ी दुकानों को खोलने की इजाजत मांग को लेकर व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महानगर में बुधवार को स्काउट गाइड के बच्चों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। और लॉकडाउन के 4th चरण में बुधवार को भी महानगर में दिखा चहल पहल। शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति के बैठने पर किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से की अपील, करें सोशल डिस्टेंस का पालन।